25 साल। आज जो लोग विरोध कर रहे हैं, आज से 7 साल पहले इन्हीं लोगों के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने एक मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनाकर रिपोर्ट बनाई थी और एक समस्या इन अध्यादेशों के बाद हमारे सामने आई। फार्मर की ओर से कि उसकी MSP सुनिश्चित रहे और उसके अंदर केंद्र सरकार ने भी MSP बढ़ाई है और प्रदेश सरकार ने हमने भी अश्योर किया है कि फार्मर को चाहे वो पैडी हो, चाहे वो बाजरा हो, चाहे वो मक्का हो, उसको MSP पूरी दी जाएगी। दूसरी समस्या आढ़ती भाइयों की थी कि आज ओपन एक्सेस मार्केट के अंदर किसी तरह की भी मार्केट फीस नहीं है। उसको देखते हुए जो हमारे मार्केटिंग बोर्ड के पैराफ्री है उसके अंदर रिडक्शन करी जाए और जॉइंट मीटिंग के अंदर सरकार ने ये फैसला भी ले लिया था कि जो पहले 4% मार्केट फी और सेस होता था मिलाकर, उसको अब आधा आधा परसेंट करके 1% किया जाएगा, जिससे दोनों फार्मर भी और आढ़ती सिक्योर। सब तो सबसे यही आग्रह कि प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार है, अगर उसकी सीमा कोई ना लाने। और दूसरी ओर पर जो लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं कि फार्मर की कहीं ना कहीं MSP को ख़त्म करने के लिए, वो लोग जागरूक हो इस बात कि MSP जब केंद्र सरकार भी बढ़ा रही है और प्रदेश सरकार भी इंश्योर कर रही है कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे रबी की और खरीफ की मेन फसलों को खरीदेंगे, तो मुझे लगता है फिर किसी को भ्रमित होना नहीं। आपको एक चीज़ ज़रूर बोल सकता हूँ कि क्या आप उनको सीरियस पॉलिटिशियन मानते हैं? और दूसरी चीज़ है, अगर चौधरी देवीलाल का खून रगों में है, इसलिए तो मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि MSP पे एक एक दाना हम खरीदेंगे। जिस दिन मैं ये इंश्योर नहीं कर पाऊँगा, सबसे पहले इस्तीफा देने का काम करूँगा। आज मेरी प्रायोरिटी फार्मर को उसकी फसल का दाम पूरा मिले और दूसरी प्रायोरिटी कि पैसा किसान के खाते में आए। मुझे याद है कोरोना काल में जब गेहूं की परचेज थी, जब भी इस्तीफा मांग रहे थे और जब किसान के खाते में पैसा गया, क्या किसान खुश नहीं हो? क्या आढ़तियों की कोई दिक्कत आई? हम इंश्योर करेंगे कि फार्मर को उसकी प्रोड्यूस का एक एक पाई पाई मिले। अंदर तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन का इंटरनल मैटर है और मुझे लगता है कि मैं इस पर टिप्पणी ना करूं तो बेहतर है। सितंबर को पूरे हरियाणा पर चौधरी देवीलाल जी के 107वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 108 यूनिट ब्लड ग्रुप प्रति डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि कोरोना के अंदर आज एक जरूरियात भी है कि हम इस तरह के डोनेशन कैंप्स लगाएं, और साथ में त्रिवेणी लगाकर हर जिले के अंदर पूरे स्नेह और उत्साह के साथ चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस मनाएं। इसके अंदर जींद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी आएंगे, तमाम विधायक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अलग अलग जिलों के अंदर जाकर नई जो गठित कार्यकारिणी है उनके साथ नेक्स्ट स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को याद भी करेगी। उनके जितने स्टैचूज हैं पूरे हरियाणा में, उनकी सफाई करना, वहाँ पर हवन कराना, ये कार्य को संपन्न करना।